हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एम एन एस एकेडमी आज के वीडियो में हम साइंस का मॉक टेस्ट करने वाले हैं इसमें टोटल 50 एम हैं अगर आपको मेरे साथ टेस्ट देना है तो आप अपनी कॉपी या कुछ लेके बैठो ताकि आप जो अपने मार्क्स हैं वो नोट करते जाना एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो यू हैव टू कमेंट एंड टेल मी कि आपके फिफ्टी में से कितने स्कोर आए ओके सो लेट्स बिगेन आ वीडियो द फर्स्ट क्वेश्चन इज पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनिसिलिन जो है ये एक्सट्रैक्ट किस चीज से होता है ईस्ट से एल्गे से फंगस से या लाइकन से तो जो पेनिसिलिन है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है फंगस से पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलिन मोल्ड से एक्सट्रैक्ट होता है और वो एक फंगस होता है पेनिसिलिन एज एंटीबायोटिक भी यूज़ होता है ना? Next है ना? नेक्स्ट है विच इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन एंटीजन का क्या इफेक्ट है इसमें से अगर कोई पर्सन इल है बीमार है तो इट इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ़ डब्ल्यू बी सी क्या डब्लू बी सी का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है इट इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है नेक्स्ट है इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटी सीरम अगेंस्ट द बैक्टीरिया बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटी सीरम का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है या इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया या वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं इसमें से आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है जल्दी से लिखो इसकी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ब्लड के सर्कुलेशन में इसमें से कौन सा चीज़ है जो हेल्प करता है ऑप्शन है एरेथ्रोसाइट्स ब्लड प्लेटलेट्स मोनोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लिफोसाइट्स लिफोसाइट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं लिम्फोसाइट्स एक टाइप का वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसमें टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं है ना ओके नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर फोर विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीज द एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट्स इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो वाटर एंड कैल्शियम की ऑब्जॉर्ब्शन इंक्रीज करता है प्लांट्स में मैंगनीज बोरॉन कॉपर या मॉलीबेडनम इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बोरोन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फाइव विच वुड विल बिकम यूजलेस सून आफ्टर एक्सपोजिंग इन द ओपन एयर ओपन एयर में उसको एक्सपोज किया जाएगा जैसे ही एक्सपोज होगा वो यूजलेस बन जाएगा मतलब किसी काम का नहीं रहेगा ठीक है तो वो कौन सा वुड है सॉफ्ट वुड फाइब्रस वुड वेट वुड या हार्ड वुड इजी सा क्वेश्चन है ये वुड वैसे भी पोरस होता है ठीक है और वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है एयर से और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किसमें दिखता है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर वेट वुड ठीक है नेक्स्ट इज विच अमांग द फॉलोइंग इज अ लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इसमें से कौन सा लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी बोला जाता है तो इसका मतलब क्या होता है लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ये ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो मेजरली ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज पे काम करते हैं तो ऑप्शन देखते हैं पैरासिटामोल पेनिसिलिन एम्फिसिलिन एंड द लास्ट ऑप्शन इज क्लोरेम फेनेकोल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एम्फिसिलिन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन आर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड अप ऑफ बोन्स और टीथ जनरली किस चीज से बने होते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट फ्लोरोपेटाइट क्लोरोपेटाइट या हाइड्रोले इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट अंगोरा वुल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अंगोरा वुल है एक टाइप ये किस चीज से एक्सट्रैक्ट होता है रैबिट शिप फॉक्स या गोट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रबित से ये आता है इसके जो एक्सट्रैक्ट होती है जो वुल वो बहुत ही थिन फाइबर होते हैं उसके और बहुत ही शाइनी सा होता है इसके वजह से ये फेमस है जैसे पश्मीना होता है इंडिया में पश्मीने के शॉल आपने सुना होगा तो वो किससे लेते हैं पश्मीना तो जो पश्मीना वुल होता है वो कश्मीरी गोट से आता है वो भी इसी के लिए फेमस है क्योंकि जो उसके फाइबर होते हैं बहुत ही थिन होते हैं और उसका जो मटेरियल होता है कपड़े का वो भी बहुत ही अच्छा बनता है ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट वुमेन ईजिली देन दैट ऑफ मैन इसमें से कौन सा डिजीज है जो वुमेन को ईजिली अफेक्ट होता है मैन के कंपेयर में ऑप्शन है हार्ट अटैक हेपेटाइटिस ज्वाइंट अर्थराइटिस या अर्थराइटिस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हार्ट अटैक अब ये देखो इसमें ऐसा नहीं है कि ये मेंस को नहीं होता या मेंस को अफेक्ट नहीं करता इसमें वुमेन ज़्यादा इजीली अफेक्ट हो जाती है मतलब हार्ट अटैक आपको भी बताओगे काफ़ी टाइम आता है लोगों को ऐसा नहीं होता कि एक ही बार हार्ट अटैक आया एंड उसके बाद मर गई वो डिपेंड करता है कि किस टाइप से आया है तो ये वुमेन्स को ज़्यादा डेडली है एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है ब्रेन किडनी लिवर या इंटेस्टाइन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ब्रेन किडनी में कौन सा ग्लैंड होता है एड्रोनल ग्लैंड और लीवर खुद ही एक ग्लैंड है कौन सा ग्लैंड है एक सो क्रीन ग्लैंड ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर इलेवन वट इज़ द लिमिट ऑफ एम जी डी एल ऑफ ब्लड शुगर इन द नॉर्मल पर्सन एट द टाइम ऑफ फास्ट ये जो एम जी बाई डी एल है इसका मतलब क्या होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर ओके मिलीग्राम पर डेलीटर तो हमसे बोला गया है कि जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल पर्सन में कितना देखा जाएगा एट द टाइम ऑफ फास्ट जब फास्टिंग व्रत रखते हैं उस टाइम पे ठीक है फोर्टी से सिक्सटी वन ट्वेंटी से वन फिफ्टी सेवेंटी से हंड्रेड या वन सिक्सटी से टू हंड्रेड तो ये होगा वन ट्वेंटी से वन ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्टैम्प ऑफ ट्री हैज़ 50 रिंग्स वट इज़ द एज ऑफ़ द ट्री ट्री की एज कैसे निकाली जाती है उसके जो रिंग्स होते हैं उसको काउंट करके तो बोला जा रहा है एक ट्री था ठीक है ऐसा पेड़ था उसका यहाँ से काटा तो जब काटा तो ऐसे दिख रहा है तो उसमें ऐसे ऐसे रिंग्स दिखे इनको और कितने रिंग्स हैं फिफ्टी है तो उस ट्री की एज कितनी होगी फिफ्टी मंथ्स फाइव ईयर ट्वेंटी फाइव ईयर या फिफ्टी ईयर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फिफ्टी ईयर्स नेक्स्ट इज़ ओनियन एज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ओनियन किस चीज़ का मॉडिफाइड फॉर्म है लीव स्टैम्प रूट या नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्टैंप लीव का मॉडिफाइड क्या होता है लीव से स्पाइंस uh, बनते हैं टेंडल्स बनते हैं और रूट्स के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है आप कॉमनली भी यूज़ करते हो जैसे बीट रूट हो गए या स्वीट पटेटो ये सब आप मुझे नीचे दो तीन एग्जाम्पल लिख के बताना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टीन द पॉलिनेशन ऑफ मेज टेक प्लेस बाय मेज़ की पॉलिनेशन कैसे होती है सेल्फ पॉलिनेशन पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट पॉलिनेशन बाय एयर या पॉलिनेशन बाय रेन तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पॉलिनेशन बाय एयर देखो सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जांपल देती हूँ जैसे ऑर्किड्स हो गए पी हो गए तो ये सब सेल्फ पॉलिनेशन में आ जाएंगे इंसेक्ट्स जो कौन से हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में वो है हनी बी बंबल बीज और एयर से सिर्फ मेज़ ही नहीं होता बहुत सारे राइस व्हीट कॉर्न ओट्स ये सब एयर से होते हैं ठीक है और जो रेन से पॉलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं एम्ब्रोफिली ठीक है ए एम बी आर ओ पी एच आई एल वाई एम्ब्रोफिली याद रखना इसको एज अ वन वर्ड सब्सुएशन में भी पूछ सकते हैं कि पॉलिनेशन बाय एयर को क्या बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट इज वाई रेडियोलॉजिस्ट डू नॉट टेक डायरेक्ट एक्सरे फोटोग्राफ्स ऑफ इंटेस्टाइन इंटस्टाइन का डायरेक्ट एक्सरे फोटोग्राफ्स क्यों नहीं लेते रेडियोलॉजिस्ट ऑप्शंस हैं इंटस्टाइन आर अफेक्टेड बाई डायरेक्ट एक्सपोजर टू एक्सरेज एक्स रेज करते हैं अगर इंटस्टाइन का तो डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं उनके एक्सपोजर से एक्सरे कैन नॉट क्रॉस इंटस्टाइन एक्सरे जो है इंटस्टाइन को क्रॉस नहीं कर सकता एक्सरेज आर नॉट एबल टू कैप्चर क्लियर पिक्चर एक्सरे जो होते हैं वो क्लियर पिक्चर नहीं ले सकते या इवन शॉर्ट एक्सपोजर ऑफ एक्स रे कर्स कैंसर इन इंटेस्टाइन अगर थोड़ी देर के लिए भी एक्सरे का एक्सपोजर हुआ तो इंटेस्टाइन में कैंसर हो सकता है सो आंसर मार्क करो आपको कौन सा लग रहा है इसका द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी ओके कोई कैंसर वैंसर नहीं होता क्या होता है कि एक्सरे जो होता है वो क्लियर पिक्चर नहीं ले पाता क्यों नहीं ले पाता एक्सरे इस तरीके से बनाया गया है कि वो टिश्यूज़ में डिफ्रेंशिएट करता है एक्सरे हम ज़्यादातर कब यूज़ करते हैं जब हमारी बोन्स वगैरह में कुछ हो जैसे हड्डियाँ टूट जाती है हाथ हाथ टूट जाते हैं तो हम एक्सरे करवाते हैं रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे टिश्यूज़ में डिफ्रेंशिएट करता है एयर बोन्स फैट मसल इन सब में डिफ्रेंशिएट करके एक हमें पिक्चर देता है और हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है सिर्फ मसल्स होते हैं बोन तो नहीं होते तो वो क्लियर पिक्चर नहीं ले पाता ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एक्सोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सोबायोलॉजी किस चीज़ की स्टडी से डील करता है एक्सटर्नल कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट ऑप्शन है लाइफ ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ लाइफ इन द आउटर लेयर ऑफ द एटमोसफेयर या लाइफ इन द अदर प्लान एंड स्पेस सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लाइफ इन द अदर प्लानट एंड स्पेस इसकी स्टडी जो करता है उसको एक्सोबायोलॉजी बोलते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन। एनिमल डू नॉट हैव एनजाइम सिस्टम विच एनेबल देम टू मेक यूज ऑफ द एनर्जी फॉर्म इसमें से कौन सी एनर्जी फॉर्म का एनिमल्स यूज नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास एक एंजाइम सिस्टम नहीं होता है तो कौन सी एनर्जी फॉर्म है फैट वाटर प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट करेक्ट आंसर है फैट नेक्स्ट इज अ क्लोन इज अ कलोनी ऑफ एक क्लोन किस चीज़ की कॉलोनी होती है सेल्स हैविंग डिफरेंट शेप सेल्स हैविंग सिमिलर शेप सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टुट्स सेल्स हैविंग डिफरेंट जेनेटिक कॉन्सटुंट्स जल्दी से बताओ इसका आंसर द करेक्ट आंसर इज सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्सटुंट्स ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट इज द पोलन ग्रीन ऑफ फ्लावर्स पोलिनेट बाई इंसेक्ट्स आर फ्लार के जो पोलन ग्रीनस होते हैं जो इंसेक्ट्स की वजह से पॉलिनेटेड होते हैं वो कैसे होते हैं स्मूथ एंड ड्राई रफ एंड स्टिकी रफ एंड ड्राई लार्ज एंड शोई करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रफ एंड स्टिकी डिजीज कर्ज बाय एसबेस्टोज इज एसबेस्टोज से कौन सी डिजीज कर्ज होती है ये हमें बताना है एम्फेसिमा पैरालिसिस डायरिया या डिसेंट्री करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एम्फेसिमा सो यू नो पैरालिस क्या होता है एंड डायरिया क्या होता है यह आपको पता होगा एम्फेसिमा क्या होता है इट्स ए लंग कंडीशन इसमें ब्रेथ शॉर्ट होने लग जाती है ठीक है एंड द सेंट्रिया क्या होता है इसमें इन्फ्लोमेशन ऑफ इंटेस्टाइन हो जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इन द आई काला विजन इज अफेक्टेड बाई द प्रेजेंस ऑफ आई काला में जो विजन होता है वो किस चीज़ से अफेक्ट होता है किसकी प्रजेंस से क्रॉइड कोट स्क्लोरोटिक कोट्स रॉड्स या कोंस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कों नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्रोसेसिंग टी लीव्स। टी लीव्स के प्रोसेसिंग में इसमें से कौन सा एक इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है रोलिंग ड्राइंग फर्मेंटिंग या विथरिंग करेक्ट आंसर इज मैंटेन वैसे ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है अगर ये आपका गलत भी हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट इज ट्वेंटी थ्री डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कर्ज ड्यू टू द लॉस ऑफ डिहाइड्रेशन हो जाती है पानी की कमी ठीक है ह्यूमन बॉडी में होती है तो ये किस चीज़ की कमी की वजह से होता है इसमें से क्या कम पड़ जाता है बॉडी में विटामिन सॉल्ट हॉर्मोन्स या वाटर करेक्ट आंसर है वाटर बहुत ही सिंपल था ना ये नेक्स्ट इज ट्वेंटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लविंग बर्ड इसमें से कौन सा लार्जेस्ट लविंग बर्ड है ईगल पिकॉक ऑस्ट्रिच या कीवी करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रिच नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी टेस्ट ट्यूब बेबी के केस में इसमें से क्या सही है बताना है एग इज फर्टिलाइज इन द यूट्रस एम्ब्रियो कम्पलीट इज डेवलपमेंट इन अ टेस्ट ट्यूब एम्ब्रियो इज प्लेस्ड इन द यूट्रस आफ्टर टू मंथ एग इज फर्टिलाइज आउटसाइड मदर्स बॉडी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एम्ब्रियो इज प्लेस्ड इन द यूट्रस आफ्टर टू मंथ्स नेक्स्ट इज द एज ऑफ द ट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स अभी पीछे इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था ये गलत नहीं होना चाहिए जल्दी से बताओ ग्रिथ हाइट, ग्रोथ रिंग या जनरल अपेयरेंस यस, द करेक्ट आंसर इज ग्रोथ रिंग ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज किडनी डिजीज इज मेनलीस्ड बाय पल्यूटेंट्स कौन से पल्यूटेंट्स से किडनी डिजीज होती है कैडमियम आयरन कोबाल्ट या कार्बन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कैडमियम नेक्स्ट इज फ्रूट ऑफ दिस प्लांट्स आर फाउंड अंडरग्राउंड क्वेश्चन में पूछा गया है एक प्लांट है उसके फ्रूट्स अंडरग्राउंड फाउंड होते हैं मिलते हैं तो वो कौन सा प्लांट है कैरेट ग्राउंड ग्राउंडनट या ओनियन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ग्राउंडनट नेक्स्ट इज अ रेयर एंड एंडेंजर्ड एनिमल इन साइलेंट वाली इज साइलेंट वाली में एक रेयर और एंडेंजर्ड एनिमल है वो कौन सा एनिमल है हमसे पूछा है मस्क डियर टाइगर ऑप्शन सी इज लाइन तेल मकाक या ऑप्शन डी है राइनोसॉरस एक साथ होगा ये राइनोसॉरस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लाइन तेल मकाक नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी मैक्सिमम फोटो एक्टिविटीज़ ऑफर इन सबसे ज़्यादा फोटो एक्टिविटी किस लाइट रीजन में होती है ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट ग्रीन एंड येलो रीजन ऑफ लाइट ब्लू एंड ऑरेंज रीजन ऑफ लाइट या वलेट एंड ऑरेंज रीजन ऑफ लाइट करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट नेक्स्ट इज एड्स वायरस हैज एड्स वायरस में क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऑप्शन ए इज द करेक्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए कौन से वायरस में होता है रोटा वायरसेस में ठीक है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किस में होता है पैथोजेनिक वायरसेस में एट डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज इन पॉक्सिवायरस या हैप्पस वायरस नेक्स्ट is क्वेश्चन नंबर थर्टी टू अ ब्रीथ टेस्ट इज यूज बाई ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंक ड्राइवर यूजेस आपने मूवीज में भी देखा होगा ट्रैफिक पुलिस जो होती है ब्रीथ uh, चेकिंग करती है ताकि पता चल जाए उन्होंने ड्रंक किया या नहीं ठीक है तो वो क्या जो टेस्ट होता है उसमें वो लोग क्या चेक करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड पोटेशियम पर मैगनेट सल्फ्युरिक एसिड टर्मरिक ऑन द फिल्टर पेपर या सिल्का जल कोटेड विद द सिल्वर नाइट्रेट सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड नेक्स्ट इज न्यूबियन इज अ ब्रीड ऑफ ये किस चीज की ब्रीड है शीप गोट पलीट्री और कैटल किसकी ब्रीड है ये ये गोट की ब्रीड है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज ट्रीटेड विद जिप्सम टू मेक इट सुटेबल फॉर क्रॉपिंग किस टाइप की सॉइल को जिप्सम से ट्रीट किया जाता है ताकि वो क्रॉपिंग के लिए स्वटेबल हो जाए एल्कलाइन एसिडिक वाटर लॉग या सॉइल विद एक्सेसिव क्ले कंटेंट करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अल्कलाइन सॉइल्स जो होती है उसको जिप्सम से ट्रीट किया जाता है ताकि वो क्रॉपिंग के लिए स्वटेबल हो जाए नेक्स्ट है टाइफॉइड फीवर इसकर्ज बाय मैंने ये क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ है जल्दी से इसका आंसर दो तुम लोग ही दोगे मैं नहीं बता रही वायरस बैक्टीरिया फंगस या एलर्जी थर्टी फाइव क्वेश्चन तुम लोग बताओगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपेंट अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन है बट बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये ठीक है ए बी ए बी या ओ रेसिपेंट जो ले सकता है डोनर जो दे सकता है हमसे यहाँ पे रेसिपेंट पूछा है तो कौन सा होगा ऑप्शन सी ए बी जो है वो किसी से भी ले सकता है नेक्स्ट इज रॉड शेप बैक्टीरिया कॉल्ड रॉड शेप बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है बैसिलस स्पायरुलम कोकस या कॉमा इनको बोलते हैं बैसिलस ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट इज द एनिमल विच हैज बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली इन इंडिया हैपन टू बी कौन सा एनिमल है जो इंडिया में रिसेंटली एक्सटेंट हुआ है ऑप्शंस देखते हैं गोल्डन कैट चीता वल्फी वुल्फ या राइनोसॉरस करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चीताज नॉट ओनली चीता तीन एनिमल है जो 2019 के अकॉर्डिंग में बता रही हूँ जिनको एक्सटेंड एनिमल बोल दिया गया था विच इज़ चीता एक वन है सेकेंड इज पिंक हेडेड डक एंड थर्ड इज इंडियन बस्टेड ओके यहाँ से ये बताना मुझे वन हॉर्न रैनोसॉरस कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी ऑल द प्रोजेनी ऑप्टेन फ्रॉम अ सिंगल प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर कॉल्ड सारे प्रोजेनी जो सिंगल प्लांट से ऑप्टेन होते हैं बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन उनको क्या बोला जाता है क्लोन्स प्योर लाइन इंडीड लाइन या पेडिग्री लाइन उनको बोला जाता है क्लोन्स नेक्स्ट इज वट इज स्पंज स्पंज क्या होता है बहुत ईजी सा क्वेश्चन है फंगस होता है फॉजल होता है प्लांट होता है या एनिमल होता है तो ये एक एनिमल होता है एंड स्पेसिफिकली बोला जाए तो ये एक ये फाइलम पॉरीफेरा का एक मरीन एनिमल होता है ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप मे बी प्रेजेंट इन द चिल्ड्रन ऑफ अ कपल हैविंग ब्लड ग्रुप्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एक कपल है उनका ब्लड ग्रुप ए है एंड बी है रिस्पेक्टिवली मान लो मैन का ए है एंड जो वुमेन है जो फीमेल है उनका बी है तो पूछा जा रहा है कि उनके जो चिल्ड्रन होंगे उनका ब्लड ग्रुप इसमें से कौन सा हो सकता है ए एंड बी ओनली ए बी एंड ए बी ए बी ए बी एंड ओ या लास्ट ऑप्शन है ए बी ओनली इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ए हो सकता है बी हो सकता है ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं ठीक है नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इस कौन सा डिजीज होता है इसमें से ऑप्शन ए है पोलियो ऑप्शन बी है मलेरिया सी इज वुपिंग कॉफ एंड डी इज रिंग करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पोलियो मालाइटिस इसको पोलियो भी बोलते हैं इसके आपने एड्स वगैरह भी देखा होगा जो आते हैं छोटे बच्चों को दिया भी जाता है वो ड्रॉप दो बुन जिंदगी की इस टाइप का एंड अभी तो इंडिया में ये बहुत ही रेयर हो गया बहुत कम लोगों को ही पोलियो होता है ठीक है नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एज विटामिन बी वन इसमें से किसको विटामिन बी वन के नाम से भी जाना जाता है रेटिनॉल थाइमिन रेबोफ्लिबिन या एस्कॉर्बिक एसिड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी थाइमिन थाइमिन को बी वन बोला जाता है रेटिनॉल क्या होता है विटामिन ए होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी एंड रेबोफलिबिन इज विटामिन बी ओनली और ये बी वन है अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इस ट्रू इसमें से कौन सा ट्रू है आपको बताना है डी एन ए जेनेटिक मटीरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डी एन ए मोस्ट ऑफ़ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटीरियल होता है आर एन एज द जेनेटिक मटीरियल इन मोस्ट ऑफ द वायरस एंड बैक्टीरिया वायरस एंड बैक्टीरिया में आर एन ए ही जेनेटिक मटीरियल होता है डी एन एज द जेनेटिक मटीरियल इन ऑल वायरसेज डी एन ए जेनेटिक मटीरियल होता है सारे वायरसेज में आर एन एज द जेनेटिक मटीरियल इन ऑल वायरसेज आर एन ए जेनेटिक मटीरियल होता है सारे वायरसेस में सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए डी एन एज द जेनेटिक मटीरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मोस्ट बोला सब में नहीं बोला इन मोस्ट ठीक है तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर नेक्स्ट है फोर्टी फाइव जस्ट पाँच क्वेश्चन और बचे जल्दी से करते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या सिक्रीट करता है एंटीजेंस एंटीबॉडीज हॉर्मोन्स या इंटरफेरॉन्स तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंटीजेंस सिक्रीट करते हैं ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है स्पेशलाइज्ड वाइट सेल्स बी लिम्फोसाइड्स और हार्मोन्स तो बहुत सारे ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं है ना नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स वेर इज द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेड क्वार्टर बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ है आपसे पूछा है लखनऊ दार्जिलिंग कोलकाता द लास्ट ऑप्शन इज ओटा कमंड जिसको हम ऊटी के नाम से जानते हैं ऊटी बोलते हैं ना वो यही है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता में है नेक्स्ट है विच सॉरी हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर पाथ ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेवलप्ड ट्रीटमेंट अगेंस्ट पार्किसन्स डिजीज इसके अगेंस्ट किसने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था और उनको नोबेल प्राइज़ मिला था अरविंद कार्लसन वॉल्टर कोन रॉबर्ट बी या फेरिड मुराद करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए अर्बन कार्लसन ओके पार्किंसन डिजीज होता क्या है ये बेसिकली एक डिज़ीज़ है डिसऑर्डर है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है जिससे हमारी मूवमेंट्स में प्रॉब्लम होती है ओके okay? नेक्स्ट है फोर्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फूड आइटम इन रिच इज़ रिच इन आयरन इसमें से कौन सा फूड आइटम है जो आयरन में रिच होता है राइस एप्पल पल्स या ऑरेंजेस करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी एप्पल नेक्स्ट इज हु डिस्कवर कॉलेरा जर्म किसने डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोश, रेनी लियांस ड्रेसर या हैंसन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सो वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी ये करते ही आपको नीचे स्कोर्स और जो मैंने क्वेश्चंस बीच में पूछे थे उसके आंसर्स बताने हैं ओके okay? स्वीट एक्स यूज बाई द डायबिटिक पेशेंट हेज़ द एनर्जी कंटेंट ऑफ स्वीट एक्स डायबिटीज़ पेशेंट यूज़ करते हैं ठीक है डायबिटीज़ पेशेंट जो होते हैं उनको चीनी वगैरह ये सब अलाउड नहीं होता तो वो स्वीट एक्स यूज़ करते हैं उसमें एनर्जी कंटेंट कितना होता है फ़ाइव कैलोरीज टेन कैलोरीज हंड्रेड कैलोरीज या ज़ीरो कैलोरीज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ज़ीरो कैलोरीज सो आई होप यू इन्जॉय दिस सेशन अगर अच्छा लगा है तो डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर वीडियो ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आई सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो